Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning students. Now we start the fourth chapter from Hindi literature book हमारी सभ्यता इस कविता में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्राचीन भारतीय श्रेष्ठ विचारों और भावनाओं को सुंदरता से प्रस्तुत किया है कवि की कामना है कि भारतवासियों में पूर्वजों के पवित्र विचारों और भावनाओं का संचार हो और सभी प्रेम पूर्वक रहें। हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी कवि कहता है कि हम कौन थे हमारे पूर्वज कौन थे और वर्तमान समय में हम क्या हो गए हैं और आगे भविष्य में हम हम क्या होंगे हमारे विचार कैसे होंगे इन सभी समस्याओं पर आइए हम सब मिलकर विचार करें यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है कहें यद्यपि हमें जो अपने इतिहास के साक्ष्य प्राप्त हैं वह अधूरे हैं हम कौन थे हमारे पूर्वज क्या थे इसका ज्ञान हमें पूरी तरीके प्राप्त नहीं है और जो भी ज्ञान प्राप्त है वह अभी भी अधूरा है हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते हम दूसरों के दुख को सदैव अपना दुख मानते थे जब कोई दूसरा व्यक्ति दुखी होता था तो हमारा हमें भी दुख होता था हम दूसरों के दुख को अपना दुख कैसे ना मानते क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार के विचार थे कि हम सदैव दूसरों के दुख को भी अपना दुख मानते थे जो ईस करता है हमारा दूसरों का है वही और हम दूसरों के दुखों को अपना क्यों ना मानते क्योंकि हमारे अंदर यह विचार थे कि जो ईश्वर है वह हमारा और दूसरों का सभी का रखवाला है सभी की रक्षा करने वाला है है कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही यद्यपि हमारे कर्म अलग अलग हैं भिन्न भिन्न हैं, हमारे काम भिन्न भिन्न हैं, फिर भी सभी में तत्वों की समानता पाई जाती थी बिकते गुलाम ना थे यहाँ हम में न ऐसी रीति थी सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी प्राचीन समय में हमारे समाज में गुलामों को कभी बेचा नहीं जाता था उनके प्रति सम्मान की भावना रखी जाती थी सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी यद्यपि वो हमारी सेवा करते थे फिर भी हमें हमारी उनके प्रति प्रेम की भावना रहती थी हम सदैव उनसे प्रेम रखते थे प्रेम के भाव रखते थे वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें पर बात क्या पीते हमारे जी कभी वे दुखी दुख सहें उस समय की ऐसी नीति थी ऐसी रीति रिवाज थे कि चाहे हम कभी भी भूखे रह जाएं, परंतु दूसरों के दुख को कभी भी हम उनको हम उनके दुख को देखकर खुशियाँ नहीं मनाते थे उनके दुख में भी बराबर दुखी होते थे आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में वे वे प्रश्न वे सवाल जो किसी के मन में किसी के स्वप्न में भी नहीं आए थे वे उन प्रश्नों को सबसे पहले इस हिंदुस्तान में ही हल किया गया उनके आ, उत्तरों को ढूंढा गया सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए जो मानव जाति के सिद्धांत नियम पूरे विश्व में फैलाए गए बांटे गए बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए उनका निश्चय सबसे पहले भारत के तपोवनों में किया गया जहाँ पर तपस्वी रहते हैं सौ सौ निराशाएं रहे विश्वास एक मूल है चाहे हमारे मन में कितनी ही निराशाएं हों हजारों की संख्या में परंतु हमारे अंदर एक दृढ़ मूल विश्वास है कि इस आत्मलीला भूमि को वह भी न सकता भूल कि इस, इस आ अपनी लीला भूमि को ईश्वर कभी भूल नहीं सकता है अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे जब अनुकूल अवसर आएगा तब फिर दयालु ईश्वर अपनी कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर बनाएंगे वे दिन यहाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। जो प्राचीन समय में खुशियों से भरे हुए दिन थे सभी प्रसन्न रहते थे और सभी अपने दुख दूसरों के दुख को अपना दुख मानते थे वह दिन फिर यहाँ पर लौट कर आएंगे आएंगे और अवश्य आएंगे सबकी नसों में पूर्वजों का पूर्व पूर, पुण्य रक्त प्रवाह हो गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो प्राचीन काल के दिन फिर से लौट कर आएंगे जिस समय सभी की नसों में पूर्वजों का पूर्वजों के रक्त का प्रवाह हो पूर्वजों के रक्त का प्रवाह हो और उनके अंदर गुण शील साहस बल और सब में उत्साह भरा हो सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो सभी के हृदय में हम सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव हो हमको तुम्हारी चाह हो तुमको हमारी चाह हो हम हमारे मन में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना हो और तुम्हारे अंदर भी हमारे सम्मान की भावना हो ऐसे दिन दोबारा अवश्य आएंगे इस कविता के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त ओके थैंक यू